बहुत ही बड़ी खबर शामली सहारनपुर वालों के लिए। बिजली लाइन का काम पूरा होने के बाद जल्द ही डबल लाइन के लिए काम शुरू किया जा सकता है। कैराना लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी का कहना है कि जल्द ही वह केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव से मिलकर दिल्ली शामली सहारनपुर रेलवे के दोहरीकरण, मेरठ पानीपत नई रेलवे लाइन और कैथल करनाल शामली मेरठ रेलवे लाइन की स्थापना के लिए बजट अवमुक्त कराने की मांग करेंगे। दिल्ली शामली सहारनपुर रेलवे मार्ग विद्युतीकरण और दोहरीकरण के लिए वर्ष 2016 के आम बजट में 1500 करोड़, मेरठ पानीपत नई रेलवे लाइन की स्थापना के लिए 2200 करोड़ रुपए और कैथल करनाल शामली और मेरठ रेलवे लाइन के सवे की घोषणा की गई थी। दोहरीकरण और विद्युतीकरण का तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने दिसंबर 2017 में नानौता रेलवे स्टेशन पर आधारशिला रख चुके हैं। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।